मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गा सबका कल्याण करें, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। प्रतिपदा तिथि नवरात्र का पहला दिन है। इस बार नवरात्र देर से आरंभ हो रहे हैं क्योंकि अभी अधिक मास की समाप्ति हुई है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत रूप से पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 दिनों तक स्वर्ग से पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों का विशेष महत्व होता है, जिसमें भक्त अलग अलग मनोकामनाओं के लिए देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 17 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 6:27 से शुरू होकर 10:13 तक होगा। इसके बाद अभिजित मुहूर्त 11:44 से शुरू होकर 12:29 तक रहेगा। इन मुहूर्तों के अनुसार ही पूजा करें, कलश स्थापना करें। सबसे पहले पूजा की सामग्री को सही प्रकार से व्यवस्थित कर लें, उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश स्थापना मंदिर के पास उत्तर पूर्व में करनी चाहिए। जहां माता की चौकी लगानी हो, जहां कलश स्थापित करना हो, उस स्थान को अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़क करके उसके बाद वहां आटे से चौकी बनाएं, लकड़ी की चौकी रखें, उस पर मां दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति रखें, वहां पर लाल रंग से स्वास्तिक बना लें। इस पर आप कलश स्थापित कर सकते हैं, उसमें जौ बोएं। यह कार्य 9 दिन तक चलेगा क्योंकि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। धूप दीप नैवेद्य रोली चावल लाल फूल फल मां को अर्पित करें। तदुपरांत अगर हो सकें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जप करें। इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद आरती करें। यथासंभव नवरात्र के 9 दिनों में प्रत्येक दिन श्रद्धालु को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, किंतु यदि किसी कारणवश यह संभव न हो तो देवी के नरवाण मंत्र को यथाशक्ति पाठ अवश्य करना चाहिए। नरवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको नवरात्र के उपलक्ष में शुभ मुहूर्त की जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन है, हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता दी लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु से संबंध कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।